मैं पिछले 3 दिन से बहुत व्यथित हूं, ठीक से नींद नहीं आती, कई बार रात में नींद खुल जाती है, बार बार वो दृश्य याद आता है, बार बार वो तस्वीरें याद आती है, बार बार ये याद आता है कि जिन महिलाओं के साथ मणिपुर में घटना हुई, उन्होंने तो भारत माता की आजादी के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल में लड़ाई लड़ी, कारगिल का युद्ध लड़ा। बताओ उनके परिवारों को हम क्या जवाब दें, बताओ उनके परिवारों को हम क्या कहें। शर्म आती है अगर नौजवानों तुमको जरा सी भी। माताओं पहले आपसे कहना चाहता हूं, बुजुर्गों आपसे कहना चाहता हूं, सवाल पूछना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से कि जो जवान कारगिल में हमारे लिए लड़ा उसकी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी लेके नाक रगड़ लो अपना। इसलिए आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसको यही रोकना नहीं है, इसमें और भी कार्यक्रम करना है। नीलम यादव जी यहां बैठी है, हमारी महिला शाखा के अध्यक्ष, हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष छवि यादव जी हैं, अभी खेल प्रकोष्ठ का गठन कल हुआ है, इनको भी जिम्मेदारी है। विनय पटेल जी, बंसराज जी, पंकज अवाना जी, सारे प्रकोष्ठों के साथी, हमारे मेन विंग के साथी, बैठिएगा नहीं। मणिपुर के हिंसा के सवाल पर एक आंदोलन नहीं, जब जब पार्टी कहेगी आपको सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। और हमसे कह रहे थे अशोक कमांडो, इन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया है पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के लिए, इनके जवान के, इनके एक साथी जवान की पत्नी के साथ ये घटना हुई, कारगिल में जो आदमी लड़ा उसकी पत्नी के साथ ये घटना हुई है। कोई जवान हिंदुस्तान का जिसने सेना के लिए काम किया है, जिसने भारत माता के लिए काम किया है, उसका मन गुस्से से खौल रहा है, वो सड़क पर उतरेगा। और ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री हमारा, बताइए आप 80 दिन के बाद मुंह से आवाज निकली उसमें भी राजनीति। इनकी एक टेलीग्राफ में फोटो छापी कि नरेंद्र मोदी जी का चमड़ा 56 इंच मोटा हो गया, 56 इंच मोटा, कोई असर नहीं पड़ता, हरियाली आंसू बहाते हैं, लाखों लोग कोरोना में मर गए, आके आंसू बहा दिया, सैकड़ों लोग नोटबंदी में मर गए, आके आंसू बहा दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने गांधी को गाली दी, बोलते दिल से माफ नहीं करेंगे, 5 किसान को कुचल दिया इनके मंत्री ने, कोई कार्रवाई नहीं, पहलवान बेटियां बैठी रही, उनको घसीट घसीट के मारा गया। ये कैसा आदमी है भाई देश का प्रधानमंत्री, कैसा संवेदनहीन व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री, कैसा क्रूर और काल शासक है देश का प्रधानमंत्री, इनसे जवाब पूछना पड़ेगा। आज तो प्रदर्शन की शुरुआत है, लेकिन मणिपुर के मामले पर आगे भी हम लोगों को मजबूती से जोरदार आंदोलन इनके खिलाफ करना है। इस देश के ताने बाने को ये लोग बिगाड़ रहे हैं, आपस में हम लोगों को लड़ा रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, दरिंदगी और हैवानियत की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। नंगा करके अगर एक महिला को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो ये सिर्फ मणिपुर के लोगों के लिए नहीं, मणिपुर की महिलाओं के लिए नहीं, आदिवासी महिलाओं के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाना चाहिए, 140 करोड़ लोगों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। जिस देश की राष्ट्रपति महिला आदिवासी हो, जिस देश के अंदर एक आदिवासी युवक को उसके चेहरे पर पेशाब किए करने की घटना बीजेपी के नेता के द्वारा वो सामने आई, जिस देश के अंदर आज ऐसी घटना मणिपुर में जहां बीजेपी का राज है वहां महिलाओं के साथ हो रही है, हमें जागना होगा, हमें इसके विरोध में खड़ा होना पड़ेगा और आगे भी इस लड़ाई को बढ़ाना है।